साहब और मोहतरमा रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की मज़ार की कबूर की डमी बनाई गई है ऊपर, क्योंकि जिस वक्त हजूम होता है इस कदर रश होता है कि नुकसान का अंदेशा होता है भगदड़ की वजह से, तो ये पब्लिक के लिए बनाई गई है ताकि लोग यहाँ पर भी आके फतेह हासिल कर सकें। बाकी इनके नीचे इसी तरह शहीद मुख्तार अली भुट्टो और बीबी साहबा की कबूर है नीचे वाले फ्लोर पर, ये फर्स्ट फ्लोर है, उनकी असल कबूर ग्राउंड फ्लोर पर है, उनकी फैमिली भी है भी बाकी लोगों के लिए भी, लेकिन ताकि रश कम किया जा सके इसलिए फर्स्ट फ्लोर पर भी डमी बनाई गई है। अब ये इंशाल्लाह 27 दिसंबर से फिर इसको यहाँ ओपन किया जाएगा पब्लिक के। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम जी दोस्तों, ये सानेहाय कारसाज में जो शहीद हुए थे कारकुनान जो जानिसारान बेनज़ीर थे, ये उनकी कबूर है और इनमें से जो लोग जख्मी थे उस वक्त शदीद जख्मी थे उन्होंने ये कहा था कि हमारी कबूर पे लिख देना मैं भुट्टो हूँ मैं भुट्टो हूँ। तो इन सब की कबूर पर ये सानेहाय कारसाज 18 अक्टूबर के शहदा हैं जिनकी कबूर पर लिखा हुआ है कि मैं भुट्टो हूँ मैं भुट्टो हूँ मैं भुट्टो हूँ। इसलिए हम कारकुनान हमेशा यह नारा मारते हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है बीबी जिंदा है ये भुट्टो ये भुट्टो। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं उस अजीम कब्रिस्तान में, उस अजीम मज़ार पर जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भुट्टो ख़ानदान के जितने भी लोग वफात पा गए हैं वो यहाँ पर खून हैं, क्योंकि किसी ने सही कहा था कि ज़िंदगी जीना तो सब जानते हैं लेकिन मरना सिर्फ भुट्टोज ही जानते हैं। ये वो जगह है, ये वो तारीखी मकाम है जहाँ भुट्टो साहब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी प्यारी पिंकी को रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को लेकर आए थे और इस कब्रिस्तान में इस घड़ी खुदाबख्श के मज़ार पर लाकर एक वादा लिया था कि पिंकी वादा करो तुम दुनिया में जहाँ कहीं भी होगी लौट कर यहीं आओ। और वाकई भुट्टो साहब के उस नज़रिए पर फलसफे पर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए और अपने वादा को इफ़ा करते हुए आज शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो भी यहीं मौजूद हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद कराए, अल्लाह ताला इस मुल्क को इस मुल्क की आवाम को सुख चैन दे सलामती दे। शुक्रिया।